So hello and welcome back to the Market Greeks everyone, and I welcome you to the post market analysis of Nifty 50 and Bank Nifty. So first of all, I hope you guys enjoyed and booked some good profit today, because I have predicted this movement yesterday and today also we got a confirmation in the Nifty 50. I have told you कल निफ्टी ने एक रिवर्सल कैंडल बनाया था, करेक्ट, और मैंने बोला था कि कॉन्फर्मेशन की नीड है, 15,740 के नीचे क्लोजिंग की नीड है, पर आज की जो क्लोजिंग आई वो 15,635 के नीचे आई है, तो एक गजब का कॉन्फर्मेशन हमारे को मिल गया है। वीकली चार्ट या मंथली चार्ट पे अभी हम कुछ भी डिसाइड नहीं करेंगे, पर डेली चार्ट पे डेफिनेटली हमारे को जो है एक कॉन्फर्मेशन है कि अब मार्केट के अंदर फॉल आएगा, थोड़ा मार्केट गिरेगा, और मुझे लग रहा है कि ये जो पुराना रेजिस्टेंस था ना, जो पुराना हाई था निफ्टी का, इस रैली के पहले जो हाई बनाया था निफ्टी ने 15,400 के आसपास 35 या 36 के लेवल पे, तो वो जो हाई था ना, अब वो एक्ट करेगा एज अ सपोर्ट और निफ्टी अब वहीं पर मूवमेंट दिखाने वाला है, उसी की तरफ मूव कर रहा है, करेक्ट। क्योंकि कल मैंने बोला था कि एक रिवर्सल कैंडल बनाया था, ये देखो, ये एक हैंगिंग मैन बोलते हैं इसको, कैंडल स्टिक, एक रिवर्सल कैंडल बनाया था, उसके बाद आज जो है कॉन्फर्मेशन दिया है एक बेयरिश डे दिखा के कि हाँ भाई मार्केट के अंदर रिवर्सल आ गया है, प्राइसेस गिरने वाली है, तो प्राइसेस गिरेगी तो कहां तक गिरेगी, तो पहला लेवल तो यही है, इसके पहले तो कोई लेवल नहीं है जो 15,400 के थोड़ा सा ऊपर लेवल है, मतलब यहां से हम अगर लेकर चले तो 100 to 150 पॉइंट्स का और फॉल जो है हमें देखने को मिल सकता है, 100-150 पॉइंट का फॉल और देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर, उसके बाद जब एक बार इस सपोर्ट पे पहुंचेगा मार्केट तो फिर ही कुछ चीज दिखेगी कि क्या अब यहां से किधर मूवमेंट होगा, क्या इस सपोर्ट को भी तोड़ देगा या इस सपोर्ट से वापस रिवर्ट करेगा, वो जब वो पहुंचेगा तभी हमें डिसाइड करना पड़ेगा। पर अभी तक जो है ये चीज तो कंफर्म कर दी है मार्केट ने डेली बेसिस पे कि मार्केट रेडी है इस लेवल को एक बार वापस टेस्ट करने के लिए, करेक्ट। वीकली दो दिन बाकी है तो वीकली कैंडल पूरी हो जाएगी, तो आई होप वीकली बेसिस पे भी कॉन्फर्मेशन आ जाएगा, क्योंकि जैसा स्टार्टिंग थ्री डेज का मूवमेंट रहा है उस हिसाब से ये लग रहा है कि कॉन्फर्मेशन वीकली बेसिस पर भी आ जाएगा, करेक्ट। तो ये थी पोजिशनल ट्रेडर के लिए इन्फॉर्मेशन, कि पोजिशनल ट्रेडर जो अगर अपनी ट्रेड बनाना चाहता है तो वो इस एनालिसिस से अपनी ट्रेड को सपोर्ट कर सकता है, करेक्ट। उसके अलावा अगर हम इंट्राडे ट्रेडर्स की बात करें तो हम इंट्राडे ट्रेडर्स तो डेफिनेटली छोटी टाइम फ्रेम से ही कंसर्न करते हैं, तो आप देखोगे अगर इंट्राडे के बेसिस पर तो आज मार्केट के अंदर जो है फॉल आया, ये जो ऊपर की जो ये थी ना, ये तीन कैंडल्स मैंने जैसे कि बोला था कि एक तो इनडिसीजन की कैंडल बनी है, तो उसके बाद जिस तरीके से ओपनिंग होगी उस तरफ मार्केट में मूवमेंट आ सकता है, पर एट द एंड मैंने ये भी बोला था कि मेजरली एक्सपेक्टेड एक बेयरिश मूवमेंट ही है, कल की वीडियो देखना, उसके अंदर मैंने क्लियरली बोला था कि मार्केट हो सकता है ऊपर खुले नीचे खुले तो उस साइड में मूवमेंट आएगा, पर मेजरली एक्सपेक्टेड है कि बेयरिश मूवमेंट ही आएगा और वो आया। अब करेक्ट, अगर यहां देखोगे तो ऐसा लगेगा कि यार फंस गए, करेक्ट, पर अगर अभी छोटे टाइम फ्रेम पर ले जाकर दिखाऊंगा कि ये फॉल आने से पहले मार्केट ने सिग्नल दिया था कि फॉल आने वाला है, और मैं ये सिग्नल्स जो आज के हैं वो इसलिए बता रहा हूं कि कल अगर ऐसा मार्केट में या कभी भी फ्यूचर में मार्केट में ऐसा हो तो उस चीज को समझ के उस तरीके से ट्रेड कर पाऊं, करेक्ट, इसलिए बता रहा हूं कि अब आज तो हो गया तो कुछ काम का है नहीं, और काफी सारे लोगों ने जो लॉस खा लिया होगा कि ट्रेड ले ली होगी, तो अब इसके अंदर हमारे एनालिसिस की प्रॉब्लम नहीं। मैंने हमेशा बोला है कि इंट्राडे के अंदर आप लोगों को रिवर्सल्स का वेट करना पड़ेगा, कोई अगर रिवर्सल आ रहा है तो उसको कैच करना पड़ेगा, सिर्फ वन साइडेड आप ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है, और उसके अलावा भी किसी ने लिया भी है तो मार्केट अच्छा खासा चढ़ा था गिरने से पहले, पर यहाँ पर देखो वापस एक इंडिसीजन का कैंडल बनाया, तो पर कल मार्केट को लॉन्ग मत करना, कल अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो लॉन्ग मत करना, अगर नीचे खुलता है तो सिर्फ शॉर्ट ही करना, कल लॉन्ग मत करना, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे कॉन्फर्मेशन निफ्टी 50 ने दे दिया कि बेयरिश मूवमेंट आएगा, पर शॉर्ट कब करेंगे, शॉर्ट करेंगे हम इस लेवल, ये जो लेवल है ना, मैंने बोला था कि ये गैप जो है ये बनाया है निफ्टी 50 ने, उसको फिल करेगा, देखो आज जो है निफ्टी 50 ने इस गैप को फिल कर दिया, करेक्ट, निफ्टी 50 ने इस गैप को फिल कर दिया, पर आप देखो कि पहले भी यहां पर सपोर्ट लिया, उसके बाद यहां पर वापस 4 जून को सपोर्ट लिया, और उसके पहले 3 जून को भी सपोर्ट ले रहा था इस लेवल पे, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, तो इस लेवल के पीछे यानी कि 15,627 के आसपास का ये लेवल है, तो 5 पॉइंट्स ऊपर और नीचे प्लस माइनस कर लेना, इसके नीचे अगर मार्केट चला जाता है ना तो फिर मार्केट को डेफिनेटली शॉर्ट कर देना। अब कॉन्फर्मेशन कैसे लोगे, आर्ली बेसिस पे अगर लोगे तो लेट हो जाओगे, मूवमेंट मिस कर सकते हो, इसलिए कॉन्फर्मेशन 15 मिनट या 5 मिनट से लेना कि हाँ इस लेवल के नीचे मार्केट क्लोज हो गया है, तो कॉन्फर्मेशन आ गया बेरिश मूवमेंट का, तो अब हम जो है मार्केट को शॉर्ट कर देंगे। इसके अलावा आर्ली बेसिस पे भी कोई बीच के अंदर लेवल नहीं है जो मार्केट को नीचे गिरने से रोक सके, और कल मुझे लग रहा है कि इसका ब्रेकआउट दे देगा, इसको ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट के अंदर वापस कंसोलिडेशन या रिकवरी देखने को मिल सकती है, पर कल एक बार इसका ब्रेकआउट डेफिनेटली दे ही देगा, ऐसी एक्सपेक्टेशंस है मुझे, करेक्ट, ये मेरा प्रेडिक्शन है। पर जो प्रेडिक्शन के अलावा जो लेवल्स है जिनके बेसिस पर ट्रेड करना उनको अच्छे से सुनना और नोट कर लेना, और उसके बेसिस पर ही ट्रेड करना, बिना
लेवल्स को जाने ट्रेड मत करना, वरना लॉस हो जाएगा और फिर समझ में नहीं आएगा हमारे लॉस होने के बाद ही मूवमेंट वैसा क्यों होता है, क्योंकि आप लोग लेवल्स का वेट नहीं करते। ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कल लॉन्ग पोजिशन मत बनाना मार्केट में, कितना भी ऊपर चढ़े कोई बात नहीं, इग्नोर कर देना। आज हमारी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग चीज हुई थी, हमने अच्छा प्रॉफिट बुक किया, कल इग्नोर कर देंगे चलेगा, पर लॉन्ग नहीं करेंगे मार्केट को भी, क्योंकि मार्केट बियरिश सिग्नल दे रहा है। जब बियरिश सिग्नल दे रहा है तो कैसे लॉन्ग कर दे मार्केट को, करेक्ट? चाहे कितना भी कुछ हो, डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट। हमें अगर बियरिश सिग्नल है, हम बियरिश हैं, तो हम लॉन्ग नहीं करेंगे और शॉर्ट कब करेंगे, जब हमारे लेवल्स ब्रेकआउट देते हैं। तो अब मैं 15 मिनट चार्ट पे लेके चलता हूं, एक बार आपको 15 मिनट चार्ट पे देखोगे तो इसके नीचे जो है क्लोजिंग आ गई, इसके नीचे मार्केट क्लोज हो गया इस लेवल के नीचे, लेकिन वापस रिकवर कर गया, इसलिए कल शॉर्ट करने के लिए वापस एक बार इसके नीचे आने दो, फिर ही शॉर्ट करेंगे, करेक्ट? अब मैं जो बता रहा था ना कि ऊपर जाने के बाद मार्केट ने जो सिग्नल दिया, ये रहा सिग्नल, इतना इजी और क्लियर सिग्नल मार्केट ने 15 मिनट चार्ट पे दिया। ये देखो, ये डबल टॉप का पैटर्न बनाया है, करेक्ट? ये डबल टॉप का पैटर्न बनाया, ये रही नेकलाइन, ये रही नेकलाइन, ये नेकलाइन टूटी इस कैंडल पे, और देखोगे मूवमेंट क्या आया है, 120 पॉइंट। यहाँ देखना ओपनिंग और क्लोजिंग, इस बड़ी कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग देखना, सारा मूवमेंट ही इस कैंडल के अंदर ही आ गया नेकलाइन का ब्रेकआउट के बाद। ओपनिंग देखोगे 15,777 और क्लोजिंग देखोगे 15,659, सो 120 पॉइंट, 118 पॉइंट का मूवमेंट सिर्फ 15 मिनट्स के अंदर। अगर इस मूवमेंट को कैप्चर कर लिया होता, अगर इस पैटर्न को कैप्चर कर लिया होता ना, तो 118 पॉइंट्स का मूवमेंट सिर्फ एक कैंडल के अंदर ही मिल रहा था। तो यही तो इंपॉर्टेंट है, ये चीज ही तो थी जो कैच करने की थी, इसलिए ही तो मैं ये चीज आज आपको बता रहा हूँ कि आज मार्केट में हुई तो अब आपके लिए अभी रिलेवेंट नहीं, लेकिन फ्यूचर में अगर वापस ऐसा कुछ हो तो उसको कैच कर पाओ, ट्रेड कर पाओ, ठीक है? तो आई होप निफ्टी 50 को लेकर एकदम माइंड के अंदर क्लियर है क्या करना है। लॉन्ग तो जाना ही नहीं है, शॉर्ट जाने के लिए वो जो सपोर्ट का लेवल है, वो जो गैप है, उसको देखना है, ब्रेकआउट आता है फिर ही लॉन्ग, फिर ही शॉर्ट करना है, ठीक है? तो आई होप लेवल्स क्लियर होंगे। तो अब मूव करते हैं एक बार बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के अंदर तो गजब का मूवमेंट आया, और एकदम एग्जैक्ट हमने जिस लेवल पे बोला था ना, उस लेवल के बाद मूवमेंट आया है। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पर एक बार दिखा देता हूँ कि कितने शानदार बेयरिश सिग्नल्स जो है हो गए, कॉन्फर्मेशन आया है, और कॉन्फर्मेशन आने के बाद एक और बेयरिश कैंडल और अपर साइड रिजेक्शन। विक्स देखो अपर साइड की कितनी लंबी, मतलब अपर साइड रिजेक्शन तैयार ही नहीं है मार्केट प्राइसेस को ऊपर एक्सेप्ट करने के लिए। तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी भी जो है इस लेवल को, ये जो पुराना इसका डेली रेजिस्टेंस था ना, डेली बेसिस पे उसको टेस्ट करने के लिए वापस से जा रहा है, करेक्ट? तो वापस से उस लेवल को टेस्ट करने के लिए एक मूवमेंट हमारे को देखने को मिल रही है, वहीं पे मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है? तो बैंक निफ्टी पे भी हम बियरिश हैं। आर्ली बेसिस पे अगर जाओगे तो कल बनाया था हेड एंड शोल्डर का पैटर्न, याद होगा, ठीक है? ये पैटर्न बनाया था कल हमने, और आप देखो पैटर्न के अंदर कल नीचे मार्केट रहा, ये आज इसकी ओपनिंग रही, और उसके बाद देखोगे जब मार्केट वापस इस लेवल के नीचे गया ना, तो क्या फॉल आया है, करेक्ट? इस चीज को 15 मिनट्स पे बेटर कैप्चर कर पाओगे। ये देखो जैसे मार्केट इस लेवल के नीचे गया, तो फिर तो क्या ही शानदार फॉल आया मार्केट के अंदर, करेक्ट? तो और उसके अलावा मार्केट ने ऐसा नहीं है कि सिग्नल नहीं दिए थे, एक तो सिग्नल अपना ये हो गया, ये जो कल हमने जो बनाया था चार्ट, इसके नीचे तो आने ही, पर ऊपर साइड में जब मार्केट ऊपर था ना, तब भी ऐसा नहीं है कि मार्केट ने सिग्नल नहीं दिए हो, ये देखो जब मार्केट फर्स्ट टाइम ऊपर गया, जब फर्स्ट टाइम ऊपर था ना मार्केट, ये देखो तब भी सिग्नल दिया है, डबल टॉप बनाया है, वापस से डबल टॉप बनाया है, सिग्नल दिया है कि फॉल आएगा, ये आज की बात है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि मार्केट ने बिना सिग्नल दिए ही जो एकदम से फॉल कर गया है, डेफिनेटली सिग्नल दिया, और सिग्नल देने के बाद ही फॉल आया मार्केट के अंदर। यहां पर सिग्नल आया था जब मार्केट ऊपर चढ़ गया था, तब यहां पर सिग्नल आया था कि फॉल आने वाला है, तो उस टाइम पे आपको शॉर्ट कर देना चाहिए था, और 35,000 के नीचे तो लेवल वैसे ही मार्क्ड था कि उसके नीचे जाएंगे तो हमें शॉर्ट करना है, तो कल ही डिसाइड हो गया था, करेक्ट? तो अब बैंक निफ्टी के अंदर क्या करना है, बैंक निफ्टी के अंदर कोई सपोर्ट वगैरह नहीं है, निफ्टी 50 के अंदर एक वो सपोर्ट का लेवल है आर्ली बेसिस पे, तो शॉर्ट करने से पहले उस लेवल को देखना है। बैंक निफ्टी के अंदर किसी लेवल को देखने की जरूरत नहीं, अगर मार्केट नीचे खुलता है इंडिसन के बाद, तो डायरेक्ट शॉर्ट करना है, लॉन्ग नहीं करना है,
ठीक है, तो आई होप कंप्लीटली क्लियर होगा किस तरीके से बैंक निफ्टी और निफ्टी फिफ्टी में ट्रेड करना है। तो आई होप कल हमने जो एक्सपेक्टेशंस करी है वैसा मार्केट हो, थोड़ा हो सकता है कि फॉल देखने के बाद हमें एक कंसोलिडेशन या रिकवरी देखने को मिल जाए। डजंट मैटर, सिग्नल जरूर देगा मार्केट कुछ भी होने से पहले, इन बेसिक चीजों को याद रखना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन, आई होप यू लाइक द वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। थैंक यू।